हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल फाइंड एवरीथिंग। आज हम देखेंगे वीकली करंट अफेयर्स में 26 नवंबर 2023 से लेकर 2 दिसंबर 2023 के बीच की महत्वपूर्ण घटनाएं और खबरें। तो आज का पहला क्वेश्चन है, मीराबाई के जन्म उत्सव की 525वीं जयंती पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है 525वीं जयंती पर 525 रुपए का सिक्का जारी किया गया है और साथ ही एक डाक टिकट भी जारी किया गया है। ये कुछ इस तरह का ये सिक्का जारी किया गया है। और मीराबाई के बारे में यदि हम देखें तो मीराबाई का जो जन्म उत्सव है वो उत्तर प्रदेश के मथुरा में मनाया गया। कहाँ पे मनाया गया? मथुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर भारत के किस राज्य में बनाया गया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है तेलंगाना, और ये तेलंगाना राज्य के सिद्दीपेट में बनकर तैयार हुआ है और इस मंदिर को बनने में पूरे 5.5 महीने लगे हैं। और इस मंदिर का निर्माण किस एजेंसी के द्वारा करवाया गया है? इसका निर्माण अपसुजा इंफ्राटेक द्वारा एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइडर सिंपलीफोर्स क्रिएशंस के सहयोग से हुआ है। और दोस्तों, ये जो मंदिर है कुछ इस तरीके से बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व विरासत सप्ताह कब मनाया गया? तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका 19 नवंबर से 25 नवंबर के बीच में विश्व विरासत सप्ताह मनाया गया है। और ये विश्व विरासत सप्ताह संस्कृति और विरासत के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। और जो इसका आयोजन है किसके द्वारा किया जाता है? यूनेस्को द्वारा किया जाता है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा यह मनाया जाता है। यदि हम विश्व धरोहर स्थल की बात करें तो भारत में कुल 42 यूनेस्को साइट्स हैं। और अभी जो रिसेंटली 41वां स्थल विश्व धरोहर स्थल में शामिल हुआ है वो है हमारा रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा स्थापित शांति निकेतन, जिसे सितंबर 2023 में भारत में विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया है। और जो 42वां स्थल है वो हमारा है कर्नाटक में 12वीं सदी में बना होयसल मंदिरों को सितंबर 2023 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया है। तो इस तरह से इंडिया में टोटल 42 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस संस्थान ने 14th एमिशन गैप रिपोर्ट 2023 जारी की है? तो ये जो रिपोर्ट है ये जारी की जाती है किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, इसके द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है। और इस रिपोर्ट के अनुसार पेरिस समझौते के अनुरूप ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे सीमित करने और 1.5 डिग्री सेल्सियस का लक्ष्य करने में हमारी प्रगति को ट्रैक करता है। तो इस चीज को ट्रैक करने के लिए ये रिपोर्ट जारी की जाती है। अब थोड़ा बहुत यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के बारे में जान लेते हैं। ये जो UNEP है ये पर्यावरण पर वैश्विक प्राधिकरण है। इसकी स्थापना 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में हुई थी। और जो इसका मुख्यालय है वो कहाँ पर है? नैरोबी केन्या। ये जो नैरोबी है केन्या की कैपिटल है। और इसके जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं अभी वो कौन है? इंगर एडर्सन, जो कि 2019 से अभी तक बने हुए हैं। और ये जो हैं डेनमार्क के रहने वाले हैं। ये हमारा UNEP का लोगो है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन कहाँ पे हो रहा है? तो दोस्तों, इसका आयोजन नई दिल्ली में हो रहा है और इसका जो आयोजन है 10 से 17 दिसंबर के बीच में होगा। इसका जो शुभंकर है उसका नाम है उज्ज्वला, जो कि एक गौरैया पक्षी है। और ये इसका लोगो है जिसे कि हमारा जो खेल मंत्री है अनुराग ठाकुर उन्होंने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2023 का बुकर पुरस्कार किसको दिया गया है? तो दोस्तों, पॉल लिंच को वर्ष 2023 का बुकर पुरस्कार दिया गया है। और ये जो पुरस्कार है उनके उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग के लिए जीता है। और इसमें जो विजेता को जो राशि मिलती है वो 50,000 pounds sterling, इतनी राशि विजेता को दी जाती है। और ये हैं पॉल लिंच, जिन्हें अपनी उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग के लिए ये अवार्ड
मिला है। अब बुकर पुरस्कार के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। यह एक साहित्यिक पुरस्कार है जो कि यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में प्रकाशित वर्ष के सर्वश्रेष्ठ अंग्रेजी भाषा के उपन्यास को दिया जाता है। और जो इसकी स्थापना है या मतलब इसकी जो शुरुआत है वो कब से हुई थी, 1969 से। और बुकर पुरस्कार के जो पहले विजेता थे वो थे पीएच न्यूबी, जो कि उनके उपन्यास समथिंग टू आंसर फॉर के लिए उनको दिया गया था। और भारत में सबसे पहले यह पुरस्कार अरुंधति रॉय को अपने उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए 1997 में मिल चुका है। तो जो पहले भारतीय जिन्हें बुकर पुरस्कार मिला था वो थी अरुंधति रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय को निशाने पाकिस्तान से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका आंसर है डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन, इनको निशाने पाकिस्तान से सम्मानित किया जाएगा। और ये हैं डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन। और जो मोरारजी देसाई हैं वो निशाने पाकिस्तान से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय थे, जो कि उन्हें 1990 में राष्ट्रपति गुलाम इशक खान द्वारा प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है, डेविस कप 2023 किसने जीता? तो डेविस कप 2023 इटली ने जीता है। फाइनल में इटली ने ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हराकर डेविस कप को जीता। और 2023 में जो डेविस कप हुआ ये डेविस कप का 111वां संस्करण था। डेविस कप पुरुष टेनिस में राष्ट्रीय टीमों के बीच एक टूर्नामेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, COP28 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है, दुबई में। और ये जो सम्मेलन है 30 नवंबर से 12 दिसंबर के बीच दुबई में आयोजित हो रहा है। और COP28 को UNFCCC के नाम से भी जाना जाता है, यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, और इसको शॉर्ट में बोला जाता है COP28। 28 का मतलब है ये 28वां संस्करण है। पहला कॉप सम्मेलन सबसे पहले कहाँ हुआ था, 7 अप्रैल 1995 को बर्लिन जर्मनी में हुआ था। और पहली बार भारत ने कॉप सम्मेलन की मेजबानी कब करी थी, 2002 में। और इसका जो आयोजन है वो कहाँ पे किया गया था, दिल्ली में। और ये कौन सा संस्करण किया गया था, 8वां संस्करण भारत में आयोजित हुआ था। हाल ही में चर्चित मावेला किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है खसरा और रुबेला से। यह एक वैक्सीन है जो कि भारतीय प्रतिरक्षा वैज्ञानिकों ने खसरा और रुबेला से बच्चों के बचाव के लिए जारी की है। और यह वियतनाम के पॉलीवैक इंस्टीट्यूट के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है। और इसको तमिलनाडु के ऊटी में जारी किया गया। बांग्ला महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो ये जो बांग्ला महोत्सव है ये मेघालय में आयोजित किया जाता है। और इसे 100 ड्रम महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। और यह जो उत्सव है गारो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। और कहाँ पे मनाया जाता है, और यह महान नदी मिस्सी तालजोंग के सम्मान में मनाया जाता है। ये देखिए जैसे यहाँ पर बहुत सारे ड्रम लेके इसको मनाया जाता है, इसलिए इसको 100 ड्रम महोत्सव भी बोला जाता है। लाल ग्रह दिवस कब मनाया जाता है? तो लाल ग्रह दिवस मनाया जाता है 28 नवंबर को। और लाल ग्रह मतलब कौन सा ग्रह, मंगल ग्रह। और ये जो मंगल ग्रह है सूर्य से कौन सा ग्रह है, चौथा ग्रह है। नासा द्वारा 28 नवंबर 1964 के दिन मैरिनर 4 को लॉन्च किया गया था, जिसके उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 28 नवंबर को लाल ग्रह दिवस या रेड प्लैनेट डे मनाया जाता है। अब अगर हम मंगल ग्रह की बात करें तो मंगल मिशन काफी एजेंसियों द्वारा लॉन्च किए जा चुके हैं। तो सबसे पहले नासा ने लॉन्च किया था, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा 2021 में एक्सो मार्स रोवर, ये एक मंगल मिशन लॉन्च किया गया था। फिर चीन के द्वारा 2021 में ही तियान वेन 1 मिशन लॉन्च किया गया। संयुक्त अरब अमीरात द्वारा होप मिशन, ये भी 2021 में लॉन्च हुआ था। और भारत का मार्स ऑर्बिटर मिशन जिसे हम MOM नाम से भी जानते हैं, ये कब लॉन्च हुआ था, 2013। मंगल 2 और मंगल 3 1971 में सोवियत संघ के द्वारा लॉन्च किया गया था। मंगल ग्रह पर सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी स्थित है, जिसे क्या बोलते हैं, ओलंपस मॉन्स। तो ओलंपस मॉन्स सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो कि मंगल ग्रह पर
स्थित है और मंगल ग्रह के दो छोटे उपग्रह हैं फोबोस और डीमोस। तो ये चीजें मंगल ग्रह के बारे में आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश 2023 की रिपोर्ट के अनुसार, और जिसकी कुल दुग्ध उत्पादन में हिस्सेदारी कितनी है? 15.72% पूरे देश में। और केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी मंत्री परसोत्तम रूपाला ने 26 नवंबर 2023 को गुवाहाटी में ये रिपोर्ट जारी करी है। और इस रिपोर्ट के अनुसार दूध का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। सेकंड प्लेस पर है राजस्थान और थर्ड पर है हमारा मध्य प्रदेश। इसके बाद अंडे का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? आंध्र प्रदेश में। सेकंड प्लेस है तमिलनाडु का और तीसरे प्लेस पर है तेलंगाना। नेक्स्ट कैटेगरी है मांस मीट, इसका सबसे अधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। सेकंड नंबर पर है पश्चिम बंगाल और थर्ड पर है महाराष्ट्र। नेक्स्ट है ऊन, ऊन का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? राजस्थान, फिर जम्मू कश्मीर और थर्ड पर है गुजरात। तो ये फैक्ट ध्यान रखना, इस रिपोर्ट में से कोई सा भी क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 के लिए शिक्षा के लिए वाइज पुरस्कार किसको दिया गया है? तो एजुकेट गर्ल्स की संस्थापिका सफीना हुसैन, इनको वर्ष 2023 के लिए शिक्षा के लिए वाइज पुरस्कार दिया गया है। वाइज पुरस्कार शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए किसी व्यक्ति को सम्मानित करने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। यदि हम वाइज की बात करें तो वाइज का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर एजुकेशन, और इसकी स्थापना कतर फाउंडेशन द्वारा 2009 में की गई थी। इसके जो प्रमुख हैं, अभी जो प्रमुख हैं, वो हैं महामहिम शेखा मोजा बिंत नासिर, ये हैं सफीना हुसैन जिनको ये अवार्ड दिया गया है। बाली यात्रा किस राज्य से संबंधित है? तो बाली यात्रा उड़ीसा से संबंधित है, जिसे बोयता वंदना के नाम से भी जाना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बाली की यात्रा। यह त्योहार उड़ीसा में कटक शहर में महानदी के गढ़गाड़िया घाट पर आयोजित किया जाता है, और ये त्यौहार हर साल उड़िया कैलेंडर के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन से मनाया जाता है, जो कि अक्टूबर और नवंबर के अंत में आता है। इसे एशिया के सबसे बड़े खुले व्यापार मेले में से एक माना जाता है। ये फैक्ट जरूर ध्यान रखना इस बाली यात्रा के बारे में। किस भारतीय पैरा खिलाड़ी को एशिया सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट पुरस्कार 2023 दिया गया है? तो इसका आंसर है शीतल देवी। शीतल देवी, ये हैं शीतल देवी जिनको ये अवार्ड दिया गया है। एशियाई पैरा खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर शीतल देवी को यह अवार्ड मिला है। और शीतल देवी हैं, वो हैं एक तीरंदाज हैं, और जम्मू कश्मीर की 16 वर्षीय शीतल देवी वर्ष की सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय हैं। AMA बैंक योजना किस राज्य में प्रारंभ की गई है? तो यह योजना उड़ीसा में प्रारंभ की गई है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने AMA बैंक योजना शुरू की है, और जिसका उद्देश्य क्या है? उड़ीसा के सभी बैंक रहित ग्राम पंचायतों में CSP+ बैंकिंग आउटलेट के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो यह पुरस्कार प्रदान किया गया है अब्दुल्लाही मायर को, जैसा कि आप यहां पे इनको देख सकते हैं, इनको यह नानसेन अवार्ड दिया गया है। इस अवार्ड की स्थापना 1954 में की गई थी, और इस अवार्ड में एक स्मारक पदक और 100,000 अमेरिकी डॉलर का पुरस्कार दिया जाता है। किस संस्था ने फास्टर 2.0 पोर्टल जारी किया है? तो ये जो पोर्टल है जारी किया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, और ये जारी किया है हमारे CJI श्री DY चंद्रचूड़ ने, और यह कब लॉन्च हुआ है? 26 नवंबर 2023 को। और यह किस लिए विकसित किया गया है? यह विकसित किया गया है न्याय वितरण प्रणाली को सुव्यवस्थित करने के लिए। इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस IRRA प्लेटफॉर्म किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये जो प्लेटफॉर्म है सेबी के द्वारा विकसित किया गया है, और यह किस लिए लॉन्च किया गया है? निवेशकों के लिए सुरक्षा संजाल प्रदान करने हेतु यह IRRA लॉन्च
किया गया है। अब थोड़ा सेबी के बारे में देखते हैं कि सेबी क्या है। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका जो गठन है 12 अप्रैल 1988 को एक गैर वैधानिक निकाय के रूप में किया गया था और फिर वर्ष 1992 में एक वैधानिक निकाय के रूप में इसको मान्यता मिली थी और फाइनली 30 जनवरी 1992 में ये जो अधिनियम है वो लागू हो गया था। इसकी जो चेयरपर्सन है वो है मधावी पुरे बुच, ये इनकी चेयरपर्सन है और ये इनके अन्य सदस्य हैं। और ये हमारा जो सेबी का हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? तो दोस्तों इसका आंसर है मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय से यह पुरस्कार संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, जल इतिहास उत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो इसका जो आयोजन है वो कहाँ पे किया गया, दिल्ली में। और किसके द्वारा किया गया, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया है 1 दिसंबर 2023 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों सभी को पता होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर है 1 दिसंबर। हर साल 1 दिसंबर को यह एड्स दिवस मनाया जाता है ताकि लोगों को एड्स के बारे में जागरूकता रहे। और यह कब से मनाया जा रहा है, 1988 से। और जो भारत में HIV एड्स से निपटने के लिए संस्था है वो है राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यालय, जिसे NACP बोला जाता है। और 2023 की विश्व एड्स दिवस की जो थीम है वो है लेट कम्युनिटीज लीड। ये जरूर ध्यान रखना थीम, क्योंकि थीम कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल BSF का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों BSF का जो स्थापना दिवस है वो 1 दिसंबर को ही मनाया जाता है और अभी 1 दिसंबर 2023 को इन्होंने अपना 59वां स्थापना दिवस मनाया है। जो BSF है विश्व का सबसे बड़ा सीमा रक्षक बल है, जिसका गठन 1 दिसंबर 1965 को हुआ था और ये भारत के गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। और BSF का जो आदर्श वाक्य है वो है जीवन पर्यंत कर्तव्य, ड्यूटी फॉर लाइफ। और जो इसका मुख्यालय है वो कहाँ पर है, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन दक्ष किस राज्य से संबंधित है? तो मिशन दक्ष है बिहार से संबंधित। अभी बिहार में शैक्षणिक रूप से कमजोर 25 लाख छात्रों की सहायता के लिए मिशन दक्ष शुरू किया गया है। मिशन दक्ष का जो मुख्य उद्देश्य है वो वर्ग 3 से 8 के ऐसे छात्र जो हिंदी के वाक्य धारा प्रवाह नहीं पढ़ सकते हैं, ऐसे छात्र जिनको मौलिक गणित में सक्षम ना हो, अंग्रेजी वर्णमाला की जानकारी ना हो, तो ये सब चीजों की एक्स्ट्रा क्लास लगेगी, तो इसके लिए ये मिशन दक्ष लॉन्च किया गया है। अमृत वृक्ष आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो अमृत वृक्ष आंदोलन संबंधित है असम राज्य से। अभी हाल ही में असम के मुख्यमंत्री ने पर्यावरण को बेहतर बनाने की दिशा में अमृत वृक्ष अभियान चलाया है और इस अभियान के द्वारा सरकार को 9 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स प्रमाण पत्र प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट है, हॉर्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल जो त्यौहार है वो नागालैंड में मनाया जाता है। हर साल 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच इसका आयोजन किया जाता है और इस त्यौहार की जो शुरुआत है वर्ष 2000 से शुरुआत हुई है और इस त्यौहार का जो नाम है वो एक हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर रखा गया है, जिसे नागाओं के लिए एकता और गर्व का प्रतीक माना जाता है। ये हॉर्नबिल पक्षी है और इस तरीके से ये हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है। तो दोस्तों ये था 26 नवंबर 2023 से 2 दिसंबर 2023 के बीच की महत्वपूर्ण घटनाएं और खबरें। नेक्स्ट मंडे को फिर हम अगले हफ्ते की महत्वपूर्ण घटनाएं और इवेंट लेके आएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।